नमस्कार, मैं हूं इबा जावेद और आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। वक्त हो चला है टॉप 100 का, तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारत और बांग्लादेश के बीच बने मेट्रो सेतु का लोकार्पण किया है। इस दौरान पीएम त्रिपुरा राज्य में कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। ये सेतु त्रिपुरा राज्य की फैनी नदी पर बना है। फैनी त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच बहने वाली एक नदी है। इसके उद्घाटन के बाद बांग्लादेश और भारत के बीच कनेक्टिविटी में भारी वृद्धि होगी। मैत्री सेतु दोनों देशों के बीच मजबूत होते संबंधों को प्रदर्शित करता है। ये पुल दोनों देशों के बीच के व्यापारिक संबंधों और लोगों को आगमन का सरल करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाला है। आज से संसद अपने पुराने वक्त के हिसाब से चलेगी, यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही अपने वक्त पर सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक काम करेगी। बीते दिन संसद में कांग्रेस की ओर से पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों का मुद्दा उठाया गया था। इसी पर आज भी विपक्ष की ओर से हंगामा किया जा सकता है। वहीं विधानसभा चुनावों को देखते हुए संसद के बजट स्तर के इस हिस्से का कुछ छोटा किया जा सकता है। माना जा रहा है कि 27-28 मार्च से पहले ही सत्र समाप्त हो सकता है। संसद परिसर के अंदर सांसदों के लिए एक टीकाकरण केंद्र स्थापित किया गया है, जहां आज से सांसदों के लिए कोविड टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा। सीएम ममता बनर्जी आज चुनाव लड़ने की घोषणा के बाद पहली बार नंदीग्राम पहुंचेंगी। ममता बनर्जी यहां पर टीएमसी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगी और फिर चुनाव प्रचार की शुरुआत करेंगी। ममता 10 मार्च को नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। सूत्रों के मुताबिक आज घोषणा पत्र जारी होने के बाद ममता नंदीग्राम के लिए रवाना होंगी और अगले दिन नामांकन पत्र दाखिल करेंगी। बीजेपी प्रत्याशी शुभेंद्र अधिकारी 12 मार्च को अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। नामांकन पत्र दाखिल करने के दौरान उनके साथ स्मृति ईरानी और मिथुन चक्रवर्ती मौजूद रह सकते हैं। टीएमसी को एक बड़ा झटका लगा है। पार्टी के 5 विधायक सोनाली गुहा, दीपेंद्र विश्वास, रविंद्रनाथ भट्टाचार्य, जाटू लहीड़ी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। दिल्ली विधानसभा में आज वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया ने आज बजट पेश किया। दिल्ली में इस साल के लिए 69,000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया है। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में स्टैंड रोड पर न्यू कोलघाट बिल्डिंग का 13वीं मंजिल पर आग लग गई। इस दर्दनाक हादसे में एसआई समेत 9 लोगों की मौत हो गई है। आग की चपेट में आकर मरने वालों में 4 फायर फाइटर और 3 पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। फिलहाल अभी तक आग लगने का कारण पता नहीं लगा है। आग के कारण इमारत में मौजूद ईस्टर्न रेलवे के कार्यालय में पैसेंजर रिजर्वेशन सर्विस का सर्वर ठप हो गया है। सर्वर डाउन होने के कारण पूर्वी भारत में कंप्यूटराइज टिकट बुकिंग प्रभावित हुई। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने इस घटना पर शोक जाहिर करते हुए रेलवे की तरफ से राज्य सरकार को हर संभव मदद की आश्वासन दिया है। साथ ही रेलवे ने हादसे की उपचारसन जांच की आदेश दिया है। पीएम मोदी ने इस घटना पर दुख व्यक्त किया है। साथ ही हादसे में मरने वालों के परिजनों को 2 लाख रुपए एवं घायलों को 50,000 रुपए की मदद देने का ऐलान किया है। वहीं घटना स्थल पर पहुंची सीएम ममता बनर्जी ने कहा है कि यह बहुत दुखद है। ममता ने मृतकों पर परिजनों को 10-10 लाख रुपए और परिवार के 1-1 सदस्य को नौकरी का ऐलान किया है। ममता बनर्जी ने कहा है कि जिस बिल्डिंग में आग लगी है वो रेलवे की है। ममता ने कहा है कि रेलवे ने बिल्डिंग का नक्शा उपलब्ध नहीं कराया है। उत्तराखंड में बीजेपी की सियासत एक बार फिर करवट ले रही है। बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत को अचानक दिल्ली तलब और प्रदेश की सियासी धड़कन बढ़ा दी है। बीजेपी के कई विधायकों की नाराजगी के चलते सीएम त्रिवेंद्र सिंह की कुर्सी पर संकट मंडराता नजर आ रहा है। हालांकि त्रिवेंद्र अपने हाथों से सत्ता की कमान छोड़ेंगे कि नहीं, ये तस्वीर साफ नहीं है। उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री की रेस में राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी नैनीताल से लोकसभा सांसद अजय भट्ट और मंत्री सतपाल महाराज के नाम आगे चल रहा है। सीएम योगी अपने 2 विकासीय बुंदेलखंड दौरे के दौरान आज झांसी में रहेंगे। इस दौरान सीएम योगी क्षेत्र के 6 जनपदों को दौरा करेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा समय 21 घंटे झांसी में बिताएंगे।
देश में चल रहे किसान आंदोलन के बीच आज संयुक्त मोर्चा की बैठक होगी। इस दौरान आंदोलन को तेज करने पर रणनीति का फैसला हो सकता है। दिल्ली की एक अदालत किसानों के प्रदर्शन से जुड़े टूलकिट मामले में आरोपी निकिता जैकब की अग्रिम जमानत पर आज सुनवाई करेगी। पंजाब के विधायक सुखपाल सिंह खेरा के चंडीगढ़ सेक्टर 5 स्थित आवास पर आज सुबह ईडी ने छापा मारा। जानकारी के अनुसार ये छापा मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में पड़ा है। कर्नाटक में एसीबी ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में 9 अधिकारियों के खिलाफ 28 जगहों पर छापेमारी की है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया मुख्यमंत्री बन गए होते अगर वो कांग्रेस के साथ रहे होते, लेकिन सिंधिया बीजेपी में बैकबेंचर बन गए हैं। राहुल गांधी ने कहा कि सिंधिया के पास कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ काम कर रहे संगठन के मजबूत करने के विकल्प था। सिंधिया कांग्रेस में रहकर ही सीएम बन सकते थे। मुकेश अंबानी के घर के बाहर स्कॉर्पियो कार में जिलेटिन की छड़े मिलने की जांच एनआईए के सौंप जाने पर सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा है कि इस मामले में कुछ गड़बड़ है। देश में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों का एक आंकड़ा बढ़कर 1,12,74,786 पहुंच गया है। वहीं कोरोना से जान गंवाने वालों की कुल संख्या 1,57,930 हो गई है। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 15,388 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 77 लोगों की मौत हो गई है। देश में कोरोना सैंपल की जांच की संख्या 22 करोड़ के पार पहुंच गई है। बीते दिन देश भर में 7.4 लाख से ज्यादा टेस्ट किए गए हैं। कोरोना वायरस के टीकाकरण का दूसरा चरण में बुजुर्गों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। ये वजह है कि पिछले 7 दिन में 32 लाख बुजुर्गों ने वैक्सीन लगवाई है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए महाराष्ट्र राज्य के ठाणे में लॉकडाउन लगा दिया गया है। ठाणे में 16 जगहों पर लगा ये लॉकडाउन 31 मार्च तक जारी रहेगा। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने अमेरिका से कच्चा माल आयात करने में आ रही दिक्कत को दूर करने के लिए केंद्र सरकार को एक चिट्ठी लिखकर आयात को सुगम बनाने की मांग की है। सीरम इंस्टीट्यूट की ओर से केंद्र को भेजी गई चिट्ठी में कहा गया है कि अमेरिकी ने रक्षा उत्पादन अधिकतम लागू किया है, जिस कारण फर्म और आयात करने में काफी मुश्किल हो रही है। मराठा आरक्षण के मसले पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने सभी राज्य सरकारों को नोटिस जारी कर पूछा है कि क्या आरक्षण की सीमा 50% से बढ़ाया जा सकता है। जम्मू कश्मीर में मौसम ने फिर करवट बदली है। कश्मीर में बारिश और बर्फबारी से दिन में तापमान से सामान्य 5 से 8 डिग्री तक गिरावट आई है। मौसम विभाग ने 11-12 मार्च को जम्मू और कश्मीर के कुछ हिस्सों में बादलों के गरजने के और तेज हवाओं के साथ बारिश की चेतावनी दी है। आज भी कुछ हिस्सों में बारिश के आसार हैं। भरतपुर में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को दिवसीय दौरे के बाद हेलीकॉप्टर से पुलिस लाइन पहुंची, जहां गणमान्य लोगों के गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। राजस्थान के कोटा में नाबालिग युवती के साथ 6 बदमाशों ने गैंगरेप किया। पुलिस ने 3 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, वहीं 3 अभी हिरासत में हैं। राजस्थान में निजी विद्यालयों के हितों और अधिकारों की रक्षा के लिए स्कूल एजुकेशन वेलफेयर एसोसिएशन ने स्तरीय प्रतिनिधि सम्मेलन का आयोजन किया। दौरे हत्याकांड मामले में 5,000 का एक और इनामी मुलजिमों को पुलिस ने पकड़ लिया है। कर्नाटक के कोलेगाल में किसान संगठन के कार्यकर्ताओं ने काली पट्टी बांधकर केंद्र सरकार का विरोध किया। यूपी के बागपत में एक युवक को बाइक सवार 2 बदमाशों ने गोली मार दी, पुलिस जांच में जुटी है। हरियाणा के कोसली में महिला के साथ एक युवक को छेड़छाड़ करने का मामले सामने आया है, पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। पलवल में किसानों के धरना स्थल पर हजारों की संख्या में महिलाएं पहुंची हैं और अपने गीतों के माध्यम से 3 कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग कर रही हैं। हरियाणा में विधानसभा के बजट स्तर में विधायक किरण चौधरी के बाद विधायक सीमा त्रिपुरा नैना चौटाला भी विशेष कार्यवाही के दौरान स्पीकर बनी।
पानीपत में सागर हत्याकांड में 7 और आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर 4 दिन की रिमांड पर लिया है। राजस्थान के तारानगर में सफाई व्यवस्था को लेकर आ रही शिकायतों को देखते हुए 18 दिवसीय सफाई अभियान को शुभारंभ किया गया है। हरियाणा के झज्जर में बेहतर कार्य करने वाले पुलिस कर्मचारियों को सम्मानित किया गया है। यूपी के रामपुर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए जिसके तहत स्कूल की छात्राओं को पुलिस ने एक ड्यूटी निभाने का मौका दिया। यूपी के रामपुर में 12 मार्च को सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव साइकिल रैली करेंगे और कार्यकर्ताओं के साथ सड़कों पर उतरेंगे। बिहार के मधेपुरा में ऑल इंडियन रिपोर्टर एसोसिएशन आयरा के 7वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। पटना में एक पुलिसकर्मी पर पैसा चोरी करने का आरोप लगा है। डीएसपी अमित शरण ने कहा है कि हम अपने स्तर की जांच कर रहे हैं। पटना में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर नारी सशक्तिकरण को लेकर एक विराट कार्यक्रम का आयोजन हुआ। मुख्य अतिथि के रूप में बिहार की माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय श्रीमती रेणु देवी रहीं। हरियाणा की पूर्व शिक्षा मंत्री ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है हरियाणा में बेरोजगारी और अपराध दोनों बढ़ रहे हैं और 75% प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण देकर अपनी पीठ थपथपा रही है। झारखंड के दुमका में पुलिस और मीडिया के बीच क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। खेल में मीडिया की टीम ने पहले बल्लेबाजी की। हरियाणा में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय लाइक वंडू चैंपियन तनुजा को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सम्मानित किया। जालंधर में अकाली दल ने कांग्रेस सरकार के खिलाफ गधे की आगे बांसुरी बजाकर राज्य भर में धरना प्रदर्शन किया। हरियाणा में विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने प्रश्नकाल के साथ सदन की कार्यवाही शुरू की। हिमाचल प्रदेश के सोलन में कांग्रेस विधायक ने पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि 2 साल पहले मुख्यमंत्री ने जिन परियोजनाओं का लोकार्पण किया आज से कार्य शुरू नहीं हुए हैं। राजस्थान के जालौन में एक अध्यापिका विजय लक्ष्मी राजपुरोहित को शिक्षा के क्षेत्र में अहम योगदान देने के लिए 2020 राष्ट्रीय मदर टेरेसा अवार्ड से सम्मानित किया गया है। राजस्थान के कोटा में नाबालिग युवती के साथ कुछ दरिंदों ने गैंगरेप की वारदात अंजाम दिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। राजस्थान के चूरू में रॉयल एसआर के पब्लिक स्कूल में 15 महिलाओं को उल्लेखनीय कार्य करने के लिए प्रशासित पत्र प्रदान किया गया है। गुरुग्राम में आर्टेमिस अस्पताल में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर नेशनल ऑटोक्रॉस चैंपियन रही डॉक्टर बानी यादव भी मौजूद रहीं। मध्य प्रदेश के बालघाट में महिलाओं को जन जागरूकता और इनके अधिकार कर्तव्य को लेकर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें महिलाओं के अधिकार के बारे में बताया गया। यूपी के सिद्धार्थनगर में पहली महिला रिपोर्टिंग चौकी का शुभारंभ हुआ। इसका शुभारंभ विधायक राजेंद्र प्रताप सिंह ने किया। सिद्धार्थनगर में आंगनबाड़ी कर्मियों से जिले के कलेक्ट्रेट परिमल के अपनी विभिन्न मांगों की लेकर 3 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। सेंसेक्स 465 अंकों की बढ़त के साथ 50,906.40 पर कारोबार कर रहा है। वहीं निफ्टी 142 अंकों पर 15,098.65 पर ट्रेंड कर रहा है। पेट्रोल डीजल के दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ है। पेट्रोल 99.17 रुपए और डीजल 81.47 रुपए पर बिक रहा है। जल्दी आपको 3 कंपनियों के आईपीओ में पैसा लगाने के मौका मिलेगा। इसमें से आईपीओ इसी हफ्ते जबकि 2 सोमवार को खुलेंगे। साथ ही आपको बता दें कि लक्ष्मी ऑर्गेनिक और क्रॉचमैन ऑटोमेशन के इशू 15 से खुलेगा और 17 मार्च को बंद होगा। वही अनुपम रसायन 12 को खुलेगा। चालू वित्त वर्ष में बैंकों ने दिसंबर तिमाही तक 1.15 लाख करोड़ रुपए के कर्ज को राइट ऑफ किया है। ये जानकारी बजट स्तर के वित्त राज्य मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने लोकसभा में दी है। आप आईडी के जरिए बच्चों की पढ़ाई या शादी के लिए आसानी से पैसा जुटा सकते हैं। आईडी के तहत
आप छोटी छोटी सेविंग करके बड़ी रकम तैयार कर सकते हैं। सरकारी कोयला कंपनी कोल इंडिया के बोर्ड ने मौजूदा वित्त वर्ष में जनवरी के तक कोयला खनन के 32 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। कोयला कंपनी 2023 से लेकर 2024 तक 1 अरब टन कोयले की उत्पादन क्षमता हासिल करने के लिए इन खनन परियोजनाओं में लगभग 47,300 करोड़ रुपए का निवेश दे सकती है। 10 मार्च से मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट का टर्मिनल 1 फिर से खोल दिया जाएगा। इससे डोमेस्टिक फ्लाइट उड़ान भरेंगी। प्रधानमंत्री जनधन योजना में 55% बैंक खाता महिलाओं के नाम है। इसके तहत फरवरी 2021 तक कुल 41 करोड़ बैंक खाते थे। दुनिया में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 11.70 करोड़ से ज्यादा हो गया है। साथ ही इस महामारी में अब तक 26,12,000 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। वहीं अगर बात की जाए पिछले 24 घंटे की, तो पिछले 24 घंटों में अंदर दुनिया में 2.90 लाख से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं और 6,000 से ज्यादा मरीजों ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया है। दुनिया में बढ़ते कोरोना के मामलों के बीच एक अच्छी खबर आई है। दरअसल नई स्टडी में दावा किया गया है कि ब्राजील में फैले नए स्ट्रेन पर अमेरिका कंपनी फाइजर और चीनी कंपनी सिनोविक वैक्सीन असरदार है। कोरोना वैक्सीन की चोरी अब एक बड़ी चुनौती बन गई है, इसलिए जेम्स बॉन्ड अंदाज में कार्गो की सुरक्षा की जा रही है, जिसके लिए किल स्विच पैनिक बटन तक लगवाए गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF ने कोरोना वैक्सीन निर्माण के लिए भारत की तरफ तारीफ की है और कहा है कि भारत संक्रमण से निपटने में सबसे आगे है। यूरोपीय मेडिसिन एजेंसी के एक वरिष्ठ अधिकारी का कहना है कि रूस की COVID-19 वैक्सीन स्पुतनिक V को राष्ट्रीय मंजूरी देने से बचना चाहिए। उन्होंने यूरोपीय यूनियन के सदस्यों को इस बार में आग्रह किया है। सऊदी अरब में दुनिया के सबसे बड़ी सरकारी तेल कंपनी आरामको पर हमला हो गया है। हुती विद्रोहियों ने 14 ड्रोन और 8 बैलिस्टिक मिसाइल से रिफाइनरी पर हमला किया। अमेज़न के साथ संस्थापक जेफ बेजोस की पूर्व पत्नी मैकेंजी स्कॉट ने दूसरी बार घर बसा लिया है। उन्होंने अमेरिकी के साइंस टीचर डैन जोविट से शादी की है। यूके की संसद में किसानों का मुद्दा फिर दोहराया गया, जिसको लेकर मंत्री निगेल एडम्स बोले किसान आंदोलन भारत का आंतरिक मामला है, लोकतंत्र में सुरक्षा बलों को कानून व्यवस्था लागू कराने का हक है। प्रिंस हैरी की पत्नी मेगन मार्केल ने प्रिंस हैरी के परिवार पर एक बड़ा आरोप लगाया है। दरअसल मेगन ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा है कि मेरे बेटे के रंग से शाही परिवार को दिक्कत थी। महाराष्ट्र कांग्रेस के विधायक अमीन पटेल ने संजय लीला भंसाली की अपकमिंग फिल्म गंगूबाई कठियावाड़ी के नाम बदलने की मांग की है। साथ ही दावा किया है कि इससे कठियावाड़ शहर की छवि खराब होगी। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत को कथित रूप से ड्रग्स सप्लाई करने वाले पेडलर को गोवा से गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही 2 विदेशी नागरिक भी पकड़े गए हैं। विद्या बालन को उनके वजन के चलते काफी आलोचना का सामना करना पड़ा है। एक इंटरव्यू में विद्या ने अपना दर्द बयां किया और बताया कि कैसे उनका वजन राष्ट्रीय मुद्दा बन गया था। नवाजुद्दीन सिद्दीकी की पत्नी आलिया ने तलाक की अर्जी वापस ली। बोली, बच्चों के लिए मैं अपनी खुशी और सोच में भी समझौता करने के लिए तैयार हूं। अजय देवगन और संजय लीला भंसाली के द्वारा नया प्रयोग किया जा रहा है। दरअसल अजय और संजय फिल्म गंगूबाई कठियावाड़ी में करीम लाला के गेटअप और डायलॉग के बिल्कुल सिंपल रख रहे हैं। विजय हजारे ट्रॉफी में गुजरात और कर्नाटक टीम ने सेमीफाइनल में जगह पक्की कर ली है। कर्नाटक के लिए कस्पान रवि कुमार समर्थ ने 192 और ओपनर देवत पडिक्कल ने 101 रन की पारी खेली। भारतीय महिला टीम को वुमेन्स के डे के मौके पर BCCI ने एक तोहफा दिया। BCCI सचिव जय शाह ने ऐलान किया है कि इस साल के आखिर में महिला टीम एक टेस्ट मैच खेलेंगी। भारत और न्यूजीलैंड के बीच वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल लॉर्ड्स में नहीं बल्कि साउथहैम्पटन के एजेंस बाउ स्टेडियम में खेला जाएगा। फाइनल 18 जून से 22 जून के बीच खेला जाएगा।
यूरोपीय टूर के अंतिम मैच में भारतीय पुरुष टीम ने ग्रेट ब्रिटेन को 32 से हराकर जीत 7 दौरे का समापन किया है। इस दौरे पर भारतीय टीम के ब्रिटेन और जर्मनी के साथ 2-2 मैच खेले। सर्बिया के वर्ल्ड नंबर एक टेनिस स्टार नोवाक जोकोविच ने रोजर फेडरर का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया है। वे सबसे ज्यादा समय तक पहली पोजीशन पर रहने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। तो आज के लिए इतना ही, और बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहें गुलिस्तान न्यूज़। धन्यवाद।